ये देखिए, ही लव्स टू टॉक नाउ। किससे बातें हो रही है? किससे बातें कर रहे हो? मूड में आया बातें करने के। ये क्या है भाई आज? बस और करनी बात है और करो। आराम से बेटा, ठसका लग जाएगा। हो गई है अगले दिन की सुबह और कल मैंने चिकन जो है पूरा रेडी करके रख लिया था और चावल भिगो दिए थे और आज सुबह उठ के फटाफट जो है चावल बॉईल करने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हमको लगभग 12:30 तक घर से निकलना है, सो वी हैव टाइम। वी आर वेरी मच इन टाइम एज ऑफ नाउ। मुझे ना बड़ी एंग्जाइटी सी हो रही है, इतना सारा बना है, पता नहीं स्वाद सही होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। हालांकि कल रात को डिनर के नाम पे मैंने थोड़े से चिकन और चावल खाए थे तो सही लग रहा था। एनीवेज, सो मैंने ये इस वाले में फर्स्ट लेयरिंग ऑफ चावल हो गया है, इसके नीचे चिकन है यहाँ पे ये। सो माई एम इज़ कि अब जैसे इसको मैंने डिवाइड कर लिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें पतला ले, मतलब इस बर्तन के हिसाब से इसमें लेयर डाला है, इसके ऊपर राइस आएगा, ये दम लग जाएगा, तो एक छोटा एक बड़ा। और ऐसे ही इसमें भी चिकन है तो ये एक बड़ा और एक ऐसा वाला सेम मेरे पास वेसल है वो बनाऊंगी। सो दिस इज द प्लान एज ऑफ नाउ, लेट्स सी। देखो मम्मी, देखो ये, देखो सुबह सुबह की मस्ती नानी और दादी दोनों के साथ। ओए ए, रुहान किसके साथ मस्ती कर रहे हो? सो ये चारों देग रेडी हो गए हैं मेरे बिरयानी के, प्रॉपर चावल भी एकदम अच्छे बन गए हैं। अब इनको दम देने की तैयारी कर रही हूँ, ऊपर से सब कुछ डाल दूँगी, सबको एक साथ पैक कर दूँगी अभी मैं, और फिर एक एक करके जो है दम देना स्टार्ट कर दूँगी। अभी इतना वक्त है कि टाइम से फिर सब कुछ हो जाएगा और उसी तरीके से मैं साथ में ले जाऊँगी। तो केसर का दूध हो गया, हरी मिर्च हो गई, यहाँ मैं फूड कलर डाल रही हूँ, फिर नींबू का रस डालूँगी, फ्राइड अनियन ऊपर से डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी और बस दैट्स इट, ऑल डन। ये बन रही है मेरी चाय, आज मैं खाऊंगी चाय पराठा। और ये मैंने दम पे एक देग डाल दी है, यहाँ पे मेरी रबड़ी भी रेडी हो गई है। सो मी बीइंग मी, ऑब्वियसली मैंने एक लास्ट चांस ऐसे रखा था कि अगर वक्त मिला और अगर सब कुछ सही से प्लान के मुताबिक चला तो मैं शाही टुकड़ा भी ले जाने की कोशिश करूंगी। और अभी हमारे पास पूरा एक घंटा है तो आराम से शाही टुकड़ा बन जाएगा क्योंकि रबड़ी रेडी हो गई है। रबड़ी रेडी होने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। चाशनी मैंने रेडी कर दी है, अभी गरम दाला फटाफट ये ब्रेड काट दिए इन्होंने, अभी इसको फ्राई करते जाएंगे, चाशनी में डिप करके वो डब्बों में सजाते जाएंगे और फिर हम तब तक रबड़ी फ्रीज कर लेंगे। और अभी मैं जाके रायता बना लेती हूँ क्योंकि एक देग यहाँ पे दम के लिए लगा हुआ है और एक दे दिया है नीचे मम्मी के। रायता ना हो तो बिरयानी का मजा नहीं आता, इसलिए यहाँ मैंने 6 किलो। हम लोग निकल ही रहे थे और अभी जस्ट यहाँ पे मुझे चप्पल फील हुई कि टूट गई। चलो फिर हम निकलते हैं, जल्दी से आ जाओ। निकल गए हम लोग, चल भाई। सो हो गया है शोएब का परफॉर्मेंस और अभी हमने चाय भी पी ली और ये भी उठ गए हैं। तो अभी हम लोग हैं निकलने के लिए रेडी और ऐसे ही गाड़ी का वेट करते बात कर रहे थे तो भैया तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और सनी के मेकअप स्किल्स की दाद देनी पड़ेगी। तो अभी उसने ऐसा बुरा मेकअप किया फिर भी सब तारीफ कर रहे हैं कि सनी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं वो देख देख के जो हंसी हूँ जो, और उसे इतने प्यार से यहाँ पे भी वो बनाया हर चीज इतने प्यार प्यार से। मेरे
मतलब सब लोग कह रहे हैं कि क्या बना दिया है, लेकिन फिर भी तारीफ हो रही है उसकी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके बहुत अच्छे है, बस के अम्मी लोग भी उसके सामने झूठ झूठ तारीफ करने लगे। मैंने कहा आप लोग तो दमाद समझ के ऐसे कर रहे हो, बहुत बुरा किया उसने। तो क्यूट लग रही थी मुझे रिएक्शन लेने आना चाहिए था, लेकिन बहुत रात में शूट किया।